आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन इज ऑन कॉम्प्रिहेंशन। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स गिवन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। सो ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का है, जिसमें हमें एक पैसेज गिवन है और उनमें से कुछ वर्ड्स को हटा दिया गया है। नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक दैट वर्ड। अगाथा क्रिस्टेले इज अ वेल नोन राइटर ऑफ मिस्ट्री बुक्स। तो एक लेखिका है और वो बहुत वेल नोन राइटर है, काफी जानी मानी राइटर है ऑफ अ मिस्ट्री बुक्स। नाउ द डैश इन ईच ऑफ अ स्टोरीज इन्वॉल्व एवरीडे कैरेक्टर। तो उनकी जो स्टोरी होते हैं उनमें एवरीडे कैरेक्टर होते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एवरीडे कैरेक्टर? द कैरेक्टर्स विच वी कैन रिलेट टू, वी सी इन एवरीडे लाइफ। लाइक इट कैन बी यू योर सेल्फ और योर मॉम, डैड और एनी ऑफ योर रिलेटिव और फ्रेंड। This makes her story more dash because whatever she writes about can happen dash any of us. अब ये जो क्योंकि everyday character होते हैं, हम इनकी story से ज़्यादा relate कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि actually में वो हम में से किसी के भी साथ घट सकती है। And what makes her story more interesting is dash the twist at the end. और इतना ही नहीं, उनकी stories में twist भी होता है आखिरी में, जिसकी वजह से उनकी story more interesting हो जाती है। Now we need to fill in the blank number 2 and the options for the same has been given. So the options are whose, these, those and that. Now before coming into the question, let's first understand the options. Now whose is for the question. So we are asking something plus we are referring to a belongingness. For example, this car belonged to whose. So, यहाँ पे एक belongingness भी है और एक question भी हम पूछ रहे हैं। And that is when who's come into the picture. Now, these, those and that all are the determiners. But the difference is these and those are for the plural. And the distance matter. अगर speaker से कोई चीज pass में है, तो he will say these. तो ये वाला हो जाएगा pass में, है ना? So, I will say it closer. सिमिलरली अगर स्पीकर से कोई चीज दूर है और उसको फिर वो पॉइंट आउट कर रहा है, सो ही विल स्पीक दोस। सो दिस इज फार अवे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो दैट देयर इज नो डिस्टेंस, नथिंग, दैट इज सिंपली अ डिटरमिनर। एंड इसका जो यूसेज होता है, इट इज अ लॉट। नाउ इट विल कम व्हेन इट कम। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। सो लेट्स रीड क्वेश्चन स्टेटमेंट 2। Her stories involve everyday character dash we can relate to. Now this statement mean कि उनकी stories में everyday character होते हैं और उनसे हम relate कर पाते हैं. So there is nothing we are asking. There is no question in the statement. Therefore option A gets rejected. Now these and those also gets rejected क्योंकि यहाँ पे हम distance related भी कुछ नहीं बोल रहे हैं. Here we are saying something about a fact. Simply we are determining or we are pointing out the everyday character importance. Therefore, the correct answer of this question is option D. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें DoubtNet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।